विद्युत विभाग ने 5 उपभोक्ताओं पर किया मुकदमा दर्ज। MD विद्युत अमित किशोर के निर्देशन में रात्रि के समय विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। हाईवे के किनारे पर पेट्रोल पंप, ढाबा सहित 5 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। SDO विद्युत अजीत मल ने बताया कि यह अभियान विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार चलाया जाएगा। इसके साथ ही SDO ने उपभोक्ताओं से अपील की कि उपभोक्ता समय से विद्युत बिल जमा करें व विद्युत चोरी ना करें। जब विद्युत चोरी नहीं होगी, समय से विद्युत बिल भुगतान सुनिश्चित होगा, तभी विद्युत सभी को निर्बाध रूप से मिलना संभव होगा। SDO साहब, एक विद्युत चोरी अभियान के तहत कुछ FIR हुई है, क्या है मामला? हाँ, MD साहब के निर्देशन में रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें कुछ बड़ी चोरियां हाईवे पे और जो मेन रोड पे हैं वो पकड़ी गई हैं। जैसे एक पेट्रोल पंप पकड़ा गया है, वो श्री ऑटोमोबाइल्स के नाम से है, श्याम सुंदर जी के प्रोप्राइटर हैं, इटावर रोड पे। उसके अलावा एक ढाबा हाईवे पे है, कृष्णा ढाबा करके, उसके अलावा एक बल्ब फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये सब बड़ी चोरियाँ हैं, कुछ घरेलू पकड़े गए हैं। 5 FIR हुई थी कल के डेट में, और परसों भी रात्रि में चेकिंग हुई थी, जिसमें ढाबे चेक किए गए थे, उसमें काव्या स्वीट्स मुरादगंज चलता पाया गया था, तो उसके खिलाफ भी FIR हुई थी। तो ये लगातार जारी रहेगा, और उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि बिजली को समय से अच्छे से इस्तेमाल करें, समय से बिल जमा करें, और बिजली चोरी ना किया करें, क्योंकि इससे विभाग का नुकसान होता है। हम लोग दिन प्रतिदिन लोड बढ़ रहा है, रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक को सुविधा तभी दे पाएंगे जब बिजली सही तरीके से हम पब्लिक को दे सके, सही दामों में मिल सके। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा? ये निरंतर चलता रहेगा, और बिजली चोरी करने वाले को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।